न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शशि सिन्हा, मैं हाजिर हूं जिले के तमाम छोटे बड़े खबरों को लेकर। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ खास रहा आज। ईडी के बहुचर्चित रंजीत साहब हत्याकांड में फरार मुख्य आरोपी जावेद अंसारी के महेश मुंडी के दोबीढ़ी स्थित घर में शनिवार को पुलिस प्रशासन द्वारा कुर्की जब्ती की कार्यवाही की गई। यहां घर के गेट को निकालने के लिए पुलिस ने जेसीबी का सहारा लिया। इस दौरान थाना प्रभारी विनय राम के साथ थाना के पुलिस अधिकारी व महिला कर्मी भी मौजूद रहे। कार्यवाही के दौरान आरोपी के घर के भीतर निर्माणाधीन मकान को जमींदोज कर दिया गया। करीब दो माह से फरार चल रहे इस मुख्य आरोपी के घर की कुर्की जब्ती वारंट कोर्ट से निर्गत होने के बाद पुलिस ने शनिवार दोपहर यह बड़ी कार्यवाही की। इस दौरान आरोपी के निर्माणाधीन घर को तोड़ने के साथ घर में रखे हर सामान को पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस की यह कार्यवाही दोपहर में शुरू होकर शाम तक चली। बताते चलें कि रंजीत साहब हत्याकांड का मुख्य आरोपी जावेद अंसारी घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। इस बीच पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल एक अन्य आरोपी मोकिम अंसारी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बताते चलें कि बीते 18 दिसंबर को महेशुंडी गांव निवासी युवक रंजीत साहब की हत्या जावेद ने अपने एक साथी मुकीम के साथ मिलकर कर दी थी। इधर आ जाइए आप लोग। गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शनिवार को गिरिडीह स्थित अंबेडकर चौक पर पेट्रोल डीजल और गैस के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने एक स्वर में केंद्र सरकार की नीतियों को दमनकारी बताते हुए आलोचना किया। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा, यह सरकार हर मोर्चे पर विफल है और जनता को ठगने वाला काम करती है। मौके पर जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि यह सरकार केवल अपने पूंजीपति मित्रों के लिए ही काम करती है, आम जनता से इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है, केवल चुनाव के वक्त धर्म की आड़ लेकर सत्ता में आने का काम करती है। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सतीश केडिया ने कहा कि महंगाई के नाम पर सत्ता में आने वाली सरकार ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्यों ने शतक जड़ दिया है, खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं, किसान कड़कड़ाती ठंड में 3 माह से आंदोलन पर हैं, लेकिन यह सरकार बहरी सरकार है जो केवल कांग्रेस काल में स्थापित बड़े बड़े उद्यमों को बेचना जानती है। धरना कार्यक्रम को मुख्य रूप से पूर्व सांसद तिलकधारी सिंह, उपेंद्र सिंह, निसार अहमद, धनंजय सिंह, लड्डू खान, परेश नाथ मिश्रा, महेश भगत, सद्दाम हुसैन, अशोक विश्वकर्मा आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में आनंद कुमार वर्मा, कृष्णा सिंह, नदीम अख्तर, पंकज सागर, उर्मिला देवी, मोहम्मद करीम बख्श सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन आलमगीर आलम और धन्यवाद ज्ञापन मदन लाल विश्वकर्मा ने किया। इससे पहले हम लोगों ने प्रेस के माध्यम से लोगों को बताने का काम किया, उसी ढंग से ये सरकार लगातार मूल्य वृद्धि कर रही है। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, कल हम लोग प्रेस मशाल जुलूस निकाल करके भी इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार के नीति के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया। आज हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि ये सरकार लगातार इस देश में किस ढंग से लोगों के पैकेट में पैकेट खाली करा रही है। बहुत सिस्टम से, बहुत तरीके से बताती नहीं है, रोज कहता है 10 पैसा 20 पैसा 30 पैसा मैं बढ़ाता हूँ और कंपनी को आजाद कर रखा हूँ। भाई साहब, वो करते 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 अब शतक तक पहुँच गए, वो केवल उसके दाम पड़ने से लो नहीं होते, बल्कि पूरे देश के हर चीज का दाम ट्रांसपोर्टिंग की वजह से पड़ता है। आज किसान खेती करते हैं, डीजल कहाँ से खरीदेंगे? जब महंगा डीजल होगा तो निश्चित रूप से सब्जियां महंगी होगी, हर चीज महंगा होगी। जो जनता, जो सरकार इस देश में महंगाई के नाम पर आई, उस जनता को किस तरह से लूटने का काम, महंगाई से के माध्यम से जनता का खून चूसने का काम ये सरकार, केंद्र सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हमारा ये चरणबद्ध आंदोलन है। ये अभी सांकेतिक कार्यक्रम चल रहा है हमारा, आगे हम भारत बंद करेंगे, पूरे देश का चक्का जाम करेंगे, लेकिन महंगाई से हम इस जनता को निजात दिलाकर रहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा कोडरमा लोकसभा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने बेंगाबाद के डाक बंगला चौक पर किसान चौपाल को संबोधित किया।
शनिवार की अहले सुबह कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी देवघर से पूजा कर गांडई लौटने के क्रम में बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के डाक बंगला चौक पर किसान चौपाल कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण को लेकर धनराशि का भी संग्रह किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, भाजयुमो जिलाध्यक्ष रंजीत राय, जिला सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, प्रखंड सांसद प्रतिनिधि जय प्रकाश मंडल, संजू देवी, विनीता कुमारी, सुरेंद्र यादव, पप्पू मंडल, सुरेंद्र लाल, प्रकाश यादव, संदीप वर्मा, रघुनंदन यादव, सुधीर शर्मा समेत भाजपा के कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब भी हमें समय मिलता है तो लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों के बीच रहते हैं, कार्यकर्ता के साथ, यहाँ की जनता के साथ। हमेशा ये हमारा प्रयास होता है कि मिलकर लोगों की जो भी समस्या है उसको देखना, सुनना, उनके साथ शामिल होना। इसी क्रम में आज गांडे का दौरा है और कई प्रखंड में, मंडल में और कई जगह कार्यक्रम है। अभी मुख्य रूप से यहाँ पे कई बहुत सारे किसान भी थे, बहुत सारे ग्रामीण भी यहाँ पे उपस्थित थे। तो जो कृषि बिल को लेकर जिस तरह से प्रोपगंडा विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, तो बिल्कुल लोग इस चीज़ को जान रहे हैं, किसान जान रहे हैं कि किसान के हित में ये कृषि बिल है। और लोगों का विश्वास, लोगों का आस्था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के प्रति है और वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि कभी भी वो जब भी चाहते हैं तो देश का हित चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं। तो आम लोग इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि कृषि बिल में किसी भी तरह की कहीं कोई गड़बड़ियां नहीं है, किसानों के हित में ये बिल है। और इसके साथ ही साथ राम मंदिर निधि संग्रह का भी आज अंतिम दिन है। लोग, आप देख रहे होंगे, काफ़ी संख्या में लोग अपना योगदान भी दे रहे हैं। हर कोई ये चाहता है कि वर्षों से पुराना, वर्षों लंबित आज जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है, तो हर किसी का योगदान उस मंदिर में हो, तो ये लोगों की इच्छा है। लोग बहुत अच्छा स्वतः अपना अपना योगदान, जिसको जो इच्छा है, जितना शक्ति है उसके हिसाब से लोग अपना योगदान दे रहे हैं। अभी सीएम हेमंत सोरेन का बयान था हवाड़ में कि आदिवासी ना कभी हिंदू थे ना बाबा कभी है, बाबा भाई बताएंगे क्या जो बहुत हास्यास्पद ये बयान लगा। वो भी एक मुख्यमंत्री, एक जिम्मेवार नागरिक जब दूसरे देश में जाके इस तरह का बयान देते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये भी, मतलब ये अपनी भाषा शायद नहीं बोल रहे। वेटिकन सिटी का ये प्रभाव लगा। खुद भी तो मुख्यमंत्री जी जाते हैं, देखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, तो इस तरह की बात तो समझ में नहीं आया कि बाहर में जाके, दूसरे देश में जाके लोग जब भी जाते हैं तो अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे देश में सरकार किसी की हो, वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, हमेशा देश की बात करते हैं, देश के हित की बात करते हैं। लेकिन ये सब अच्छा नहीं लगा। बनियाडी के गांधीनगर के रविदास आश्रम में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती धूमधाम से मनाई गई। जयंती समारोह में जेएमएम के सचिव महालाल सोरेन, केंद्रीय समिति सदस्य अजीत कुमार पप्पू आदि मुख्य रूप से शरीक हुए। इस दौरान कहा गया कि संत रविदास एक महान संत थे, उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया और अपने कर्मों विचारों से सभी को प्रभावित किया। उनका जीवन सादगी से भरा रहा। उनके जीवन से सभी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। समारोह में रॉकी सिंह, अभय सिंह, शोभा यादव, प्रदोष कुमार, सुशील शर्मा, बबलू दास, उमा चरण दास, पूनम वर्णमाला, मुन्नी देवी, दुबली देवी, चमुनी देवी, छबीला देवी, कंचन देवी, बसंती देवी आदि शामिल हुए। यहां कार्यक्रम की अध्यक्षता आस्था दलित महिला संघ के अध्यक्ष व जेएमएम नेत्री प्रमिला मेहरा ने किया। इनके विचार बहुत ही विचारणीय है, हम सभी को उनके विचारों पर चलना चाहिए, उनके सिद्धांतों पर चलना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे महान गुरु थे जिन्होंने समतामूलक समाज के निर्माण को लेके और बिना किसी भेदभाव के उन्होंने आगे समाज में काम करने का काम किए। और उनका संघर्ष बहुत रहा है सामाजिक जीवन में और उनके जीवन को, उनके जीवनी को समझना बहुत ज़रूरी है। लोगों को, अपने बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है ताकि उनके सिद्धांतों पर, विचारों पर चल करके हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें, उनके विचारों को अनुग्रहित करें और हम लोग समतामूलक समाज का निर्माण करने में अपने इस मंदिर के प्रांगण में हम लोग उपस्थित हुए
और संत जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनका पूजा अर्चना किया। संत जी महान समाज सेवी, शिक्षाविद, समाज सुधारक थे, आज भी उनके विचार प्रासंगिक हैं, उनके आदर्शों पर आज भी लोगों को चलने की ज़रूरत है। वे समाज के सभी वर्ग के लोगों के हितों की बात करते थे और आज भी हम मानते हैं। बेनी प्रखंड अंतर्गत चिताखरो गांव में गुरुवार की रात दो हाथियों ने खूब उत्पात मचाया। बताया गया कि हाथियों के झुंड से बिछड़े दो जंगली हाथी गुरुवार रात 9:30 बजे चिताखरो गांव में घुस आए, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह पर चल गए। इस बीच चिताखरो निवासी बालेश्वर ठाकुर के घर का दरवाजा तोड़कर घर में रखा चावल हाथियों ने चट कर लिया। वहीं गांव के ही प्रणदास के अर्धनिर्मित नए घर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीण द्वारा आग के लुप्स बनाकर हाथी को भगाने की कोशिश की गई। इस बीच सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को गांव से बाहर निकाला। सेसिया के समीप शीतलपुर अंबेडकर भवन में संत शिरोमणि रविदास की जयंती श्रद्धा भाव से मनाई गई। मौके पर लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। बताया गया कि समाज के दबे कुचले और अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को आगे बढ़ाने के लिए संत शिरोमणि ने कई तरह के अभियान चलाए थे। आज जरूरत है उनके बताए रास्ते पर चलने की। यहाँ इस कार्यक्रम में ईश्वरदास, नकुलदास, राजकिशोर दीनदयाल, राहुल चंद्रदास, राजू दास मुख्य रूप से मौजूद रहे। गुरु रविदास जी का जयंती समारोह हर साल की भांति इस साल भी हमारे शीतलपुर ग्राम में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती समारोह मनाई जा रही है। 644वां जयंती समारोह है और इसमें अंबेडकर समिति के सभी छोटे बड़े साथी जितने हैं और जितने भी माताएं बहनों हमारे गांव की सब ने भाग लिया इसमें और बहुत ही धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। और मैं इतना ही सबको आग्रह करती हूँ कि इन साल तो कोविड-19 के चलते इस त्यौहार को हम लोग उतनी बड़े तरीके से नहीं मनाया गया, आने वाले साल में धूमधाम से और बड़े तरीके से हम लोग मनाएंगे। अंबेडकर सेवा समिति की तरफ से आज 644वां जयंती समारोह हम लोग मनाने के आज उपस्थित हुए हैं सभी। अब मीडिया कर्मी को भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मेरा सिरसिया पंचायत 13 नंबर वार्ड और गिरिडीह को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं हर साल की तरह और भी हम लोग मनाते इस पावन धरती से अंबेडकर सेवा समिति की ओर से समस्त नगरवासियों, देशवासियों अपितु पूरे विश्व को इस मंच से बधाई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म उस समय हुआ था जब पूरे देश में वर्ण व्यवस्था चरम सीमा पर थी। उस वर्ण व्यवस्था को इन्होंने ख़त्म करने के लिए, समतामूलक समाज निर्माण स्थापित करने के लिए बहुत ही जन्म दिवस है और ये जन्म दिवस 644वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है और पूरे भारत में मनाया जा रहा है। उसी के तहत में शीतलपुर पंचायत में संत रविदास जी के मंदिर में इनका जन्मदिन समारोह बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस जन्म दिवस रविदास जी के महोत्सव में ये सबसे बड़ी बात है कि भारत देश में जो मानवतावाद था वो जाति और धर्म के अवस्था में इतनी घृणित और अव्यवस्था था और उस स्थिति में हमारे संत रविदास साहब इस भारत की धरती में आए और मानवता को और समता को लाने के लिए इन्होंने अपने वाणी से, अपने विचारों से पूरी दुनिया, पूरे भारत को संदेश दिए। आज इस बात का प्रमाण है कि जो संत रविदास साहब चाहते थे वो भारत के संविधान निर्माता ने इस देश का संविधान रच करके सबका समानता का अधिकार दिलाया। तो आज हमारा जो संत रविदास साहब का जन्म दिवस है ये जन्म दिवस नहीं, संकल्प दिवस है, क्योंकि इस देश में जिस तरह से असामाजिक व्यवस्था था
उसको खत्म करने के लिए संत रविदास साहब ने ऐसे महान आत्मा का जन्म हुआ जो सबको समान अधिकार दिलाने का काम किया। उनका ये भी कहना है कि मैं ऐसा चाहूं राज जहां सबको मिले अन्न, वहीं रहेंगे संत रविदास प्रश्न। इसका मतलब ये है कि पूरे हमारे लोगों का, जो भी समाज के लोग हैं, गरीब है, अमीर है, बड़े हैं, छोटे हैं, दलित है, पिछड़ा, आदिवासी है, स्वर्ण समाज है, सभी को समान अधिकार में देने की बात संत रविदास साहब ने कही। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के तत्वाधान में अयोध्या में निर्माण हो रहे राम मंदिर को लेकर पूरे देश भर में निधि संग्रह को लेकर वृहत अभियान चलाया गया। मकर संक्रांति से शुरू हुआ यह अभियान शनिवार 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन संपन्न हुआ। इस बीच निधि समर्पण को लेकर आम लोगों में खासा उत्साह देखा गया। लोग स्वेच्छा बढ़ चढ़ कर अपनी सामर्थ्य के अनुरूप भक्तिभाव से इस पुनीत कार्य के लिए अपना अंशदान कर रहे हैं। अभियान के अंतिम दिन आज श्री बजरंग कृपा संघ और धर्म जागरण के बैनर तले बड़ा चौक और बनाचल कॉलेज के समीप शिविर लगाया गया। आज भी काफी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से निधि समर्पण किया। मौके पर स्वयं सेवक संघ और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आज आपके पास अंतिम तिथि है, आज बालाजी मंदिर के निकट जो स्टोर लगा हुआ है वहाँ आकर अपना सहयोग दें। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी 644वां जयंती बेंगाबाद में धूमधाम से मनाई गई। शनिवार को बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय समीप स्थित अंबेडकर भवन में रविदास महासभा के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन कर शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की 644वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम में पूरे प्रखंड क्षेत्र से सैकड़ों महिला पुरुष आए थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से छोटे लाल दास, प्रखंड अध्यक्ष धनराज दास, सचिव उपाध्यक्ष रितलाल दास, प्रवक्ता अशोक कुमार दास, कोषाध्यक्ष ठाकुर दास, डोमन दास, राजेंद्र दास, नंदलाल दास, अमर दास, विवेकानंद दास, रामेश्वर दास समेत सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद थे। आज का जो कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया गया, क्या कार्यक्रम बताएंगे थोड़ा रूपरेखा क्या है? संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती समारोह प्रत्येक साल के भांति इस साल भी मनाया जा रहा है। जो आप लोग कार्यक्रम है इस बारे में विस्तार में बताएंगे क्या कार्यक्रम? आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 644वां जयंती समारोह का आयोजन बेंगाबाद प्रखंड अम्बेडकर भवन के प्रांगण में आयोजित किया गया है, जिसमें तमाम रविदास गांव से हमारे माताएं, बहनें, भाई बंधु सब पहुंचे हुए हैं और कार्यक्रम में जो भाग लिए हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि संतों में संत रविदास जी महाराज के जयंती समारोह में आज हम लोग को इस स्थान पर एक समारोह करने का जो मौका मिला, इसके लिए मैं तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूँ जो जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल करने में मेरा सहयोग किया। और मैं सभी भाई बंधुओं से मैं आग्रह करता हूँ इस तरह से कार्यक्रम को जो आयोजित किया जाता है, इसमें तमाम मेरे समाज से जो भी लोग उपस्थित हुए हैं और होते हैं, ये बहुत खुशी की बात है और हम एक